पापा पॉकेट मनी। पॉकेट मनी? कैसी पॉकेट मनी? पापा मेरे खर्च के लिए। खर्चे के पैसे? कैसे खर्चे के पैसे? अरे तेरे खर्चे कम है क्या? तेरे कपड़े, तेरे लगते, तेरा खाना और तेरा स्कूल और साथ साथ तेरी ट्यूशन, इसके ऊपर तेरे को पॉकेट मनी भी चाहिए। पर पापा पॉकेट मनी तो सबके पापा देते हैं ना, और आपने बोला था कि घर के काम करूंगा तो आप मेरे को पैसे दोगे, और मैंने किए। हाँ हाँ, क्या काम किया तूने? पापा मैंने आपकी शर्ट प्रेस की और मेरी भी। अच्छा अच्छा, चल उसके 3 रुपए हो गए। और चाय बनाई आपके लिए। चल उसके 2 रुपए हो गए। पोछा भी लगाया था, झाड़ू भी निकाला था, और मैंने आपके लिए चावल भी बनाए थे, मैंने आपके जूते साफ किए थे, मैंने आपका चश्मा साफ किया। बस 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 बस, ये बता कितने पैसे हुए? 13 रुपए। ठीक है, ये ले 10 रुपए। 10 रुपए? मेरे 3 रुपए कहाँ हैं? अरे टैक्स नाम की भी कोई चीज होती है ना, इतनी मोटी रकम ले रहा है, टैक्स कट गया तेरा। पापा कम से कम आज गाड़ी में स्कूल छोड़ दो। ओहो, अब सहजादे को स्कूल गाड़ी में छोड़ के आओ? तेरे को पता है पेट्रोल कितना महंगा आ रहा है और तेरा स्कूल कितना दूर है? चुपचाप पैदल पैदल निकल जा, छोड़ के आओ गाड़ी में, पैसे पेट में लगते हैं। इतना भी कंजूस किसका बाप होता है यार, मतलब पॉकेट मनी के नाम पे 10 रुपए दे दिए। 50 रुपए तो मेरे बाप ने भी दे दिए, स्कूल में चपड़ासी है, और तेरा बाप तो करोड़पति है, करोड़पति। पर कर भी क्या सकते हैं। मेरे को तो लगता है तेरे बाप ने ना तेरे को पैदा करने के लिए भी पैसे लिए होंगे। अबे कैसी बात कर रहा है यार तू, है इतना कंजूस। वो देख तेरे जले पे नमक छिड़कने के लिए, वो आ गई रही इस बाप की औलाद। स्कूल में 10 रुपए लेके आता है और वो 10,000 रुपए लेके आता है, पूरे स्कूल में टोरा है इसका टोरा। अबे रईस तो मेरा बाप भी है और वो भी इससे ज्यादा। वो अलग बात है कि मेरे को पैसे नहीं देता, लेकिन बस बहुत हो गई बेइज्जती। अब ये पूरा स्कूल इज्जत करेगा मेरी, अगर नहीं की तो मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दियो। सॉरी भाई, मारना पड़ा, तूने ही बोला था ना। वैसे आज हुआ क्या? होना क्या था, तेरी बात सच निकली, मेरे बाप ने मेरे को पैदा करने के लिए पैसे लिए हैं। मतलब? पापा। क्या है? मेरे को मेरा हिस्सा चाहिए प्रॉपर्टी में से। क्या कह रहा है? प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए? प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए? अरे आजा बेटा, आजा 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 मेरे लाल, बैठ। प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए ना तेरे को? कितना चाहिए? आधा आधा कर लो पापा। आधा आधा यानी कि 50% चाहिए तेरे को? चलो तेरे को 50% दे देता हूँ, तेरा मुंह पर करियो, देखियो मिल गया 50%। और चाहिएगा 50%? पापा ये थप्पड़ मार के आप अच्छा नहीं कर रहे हो, फिर मोहल्ले वाले बोलेंगे कि बेटे ने बाप पे केस कर दिया। कौन सा बेटा, कौन सा बाप, ना मैं तेरा बाप हूँ ना तू मेरा बेटा है, सुन रहा है? तेरी माँ तो सुहागरात से पहले मर गई थी, और तेरे को तो मैं अनाथ आश्रम से लेकर आया था, क्योंकि तेरे साथ मुझे 500 रुपए मिल रहे थे। वैसे तो तू फ्री में भी महंगा है। पर पापा प्रॉपर्टी में हिस्सा तो देना पड़ेगा ना, मेरा हिस्सा दो, बाप मैं दूसरा ढूंढ लूंगा। बाप दूसरा ढूंढ लेगा? हिस्सा चाहिए तुझे? Yes! हिस्सा चाहिए तुझे? प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए तुझे? पापा मेरे को नहीं चाहिए प्रॉपर्टी में, मेरे को छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो पापा। अभी छोड़ता हूँ तुझे, हिस्सा लेगा बेटा हिस्सा, 50% हिस्सा, आ जा। अरे नहीं 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 पापा नहीं। क्या यार। हाँ भाई, सब अपनी अपनी कंट्री निकालो, क्लासरूम में बात हुई थी ना,
कि अपन पार्टी करेंगे। हाँ भाई, अपनी कंट्री मेरे पास नहीं है। क्या तेरे पास पैसे नहीं है? लगता है इसे पॉकेट मनी ही नहीं मिली। ओए रुक, ये ले हम दोनों के। हाँ ठीक है, चलो दोस्तों। थैंक यू भाई पैसे देने के लिए। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, वापिस भी चाहिए मेरे को। हाँ दे दूंगा ना, पूरे पैसे वापिस करूँगा। पूरे नहीं, ब्याज समेत वापिस चाहिए, समझा? अमीर बाप की औलाद नहीं हूँ, चपड़ासी है मेरा बाप। गैरों ने भी लूटा है और अपनों ने भी छोड़ा री, अपनों ने भी छोड़ा री। सॉरी भाई, सॉरी भाई, बेइज्जती तक तो ठीक था मगर ये तो तेरी क्रश को भी ले गया। अबे भाई मेरे मेरे क्रश को नहीं, ये तो तेरे को भी ले गया। भाई अगर पैसा हो ना तो बंदा क्या कुछ नहीं कर सकता। हाँ कह तो सही रहा है, पर कर भी क्या सकते हैं, मेरा कंजूस बाप एक पैसा नहीं देता मेरे को। भाई मेरे पास एक आइडिया है तेरे बाप से पैसे निकलवाने का। क्या? चला जा। पहले ही पता था जो बंदा प्रॉपर्टी में से हिस्सा मांग सकता है वो घर में चोरी भी कर सकता है। पापा, पापा आपको ये चोरी लगी ना, मैं चोर लगा ना आपको? चोरी तो कर रहा था तू। अरे पापा यही तो बात है, आप इतने बड़े आदमी हो और आपका बेटा इतना बड़ा एक्टर, नहीं समझे? ना 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 मैं बताता हूँ, हमारे स्कूल में एक कॉम्पिटिशन हो रहा है और उसमें आपका बेटा चोर बना है और आपका बेटा बिल्कुल एकदम रियलिस्टिक एक्टिंग कर रहा है, देखा देखा ना? बेटा स्कूल के जिस ड्रामे में तू चोर की एक्टिंग कर रहा है ना, उस ड्रामे का पुलिस वाला मैं ही हूँ, समझो? और पुलिस अपना काम करना जानती 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 समझ। अरे चोरी करेगा, अपने घर में चोरी करेगा, दे मेरे पैसे और यहां से भाग जा। और भाई क्या रहा? जल्दी बता, बता ना, जल्दी बता, अबे बता ना। अरे क्या बताऊं यार, मेरे बाप ने मेरे को इतना सूता है ना, बस पूछ मत। अच्छा भाई अब तो एक ही आदमी है जो ये काम कर सकता है। कौन? चल मेरे साथ। प्रॉपर्टी हड़पने के चक्कर में बेटे ने बाप को मारी गोली। ओहो हो हो हो। पैसे ना देने पर बेटे ने बाप को चाकुओं से मारा। तोबा तोबा, चाकू से मार दिया, इतनी बेरहमी।
पॉकेट मनी ना देने पर बेटे ने बाप के खाने में मिलाया जहर, बाप तड़प तड़प के मरा। देखा अंकल, आजकल के जमाने में क्या क्या हो रहा है। वैसे इस लड़के ने सही किया, अगर मेरा बाप मेरे को पैसे ना दे मैं भी जहर देके मार दूं उनको। आप तो अपने बेटे को पैसे देते होगे ना, है ना, है ना, है ना। अगर नहीं देते ना तो आज ही देना चालू कर दो, वरना आपको भी जहर देके मार देगा। अरे अरे बेटा मेरे लाल, कहाँ जा रहा है तू? पापा मैं तो स्कूल जा रहा हूँ। अरे स्कूल जा रहा है वो भी बिना पॉकेट मनी के? एक मिनट रुक बेटा, ये अरे ये ले पैसे, ये ले 20,000 रुपए कुल के खर्च करिए मेरे बच्चे। और अगर ये भी कम पड़ जाए ना, अपने बाप को याद करियो, मैं आऊंगा तेरे को पैसे देने के लिए, है ठीक है? पापा 20,000 रुपए इतनी ज्यादा पॉकेट मनी? हाँ बेटा पॉकेट मनी। ठीक है पापा, थैंक यू। अरे रुक रुक रुक, जा कैसे रहा है? पैदल। पैदल? अरे इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक, मेरा मतलब होने वाला मालिक, पैदल स्कूल जा रहा है, लोग क्या कहेंगे मेरे बेटे? एक काम कर तू, ये अरे ये गाड़ी लेके जा मेरे बेटे, गाड़ी लेके जा, गाड़ी। आज से स्कूल गाड़ी में जाएगा, तेरे कोमल कोमल पैर जमीन पे रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे बच्चे, जा। ठीक है पापा, चलता हूँ, थैंक यू। पर बेटा सुनना, बड़े बुजुर्गों की थोड़ी सी इज्जत करना बच्चे, और देखो बड़ों के गुस्से में भी प्यार होता है, बुरा मत मानना है। ठीक ठीक है पापा। और सुन सुन सुन, चाकू छुरी और बंदूक से दूर रहना मेरे बच्चे। ठीक है पापा, ठीक है मैं चलता हूँ अभी। और जहर का तो नाम भी मत लियो, अभी तो मुझे बहुत जीना है। ये पकड़ तेरा हिस्सा। और वैसे भाई ये सब मतलब गाड़ी पैसा मेरे बाप ने सब यूं एक झटके में दे दिया, ऐसा तूने क्या किया था? अरे भाई वो मैंने किया था। बस हाल तुम्हें क्या बात सुनूं तेरी, अब जो चाहिए था वो तो मिल ही गया। भाई एक काम कर, जल्दी से गाड़ी में बैठ, दोनों भाई आज हवा बनाएंगे स्कूल में। बॉस देने नंबर रेंज दिया कारा, जदों यट निकले तक दिया नारा, खड़क दे शीशे नाले कंपी जाती सीट। हाँ हाँ पूरा वाइड वाइड फेम है। बाटा च हाथ फड़ के 11 दी रीच पूरी कर दे, जदों वेखे मैं तेनू।